नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान का फेमस पानी वाला मिर्च का अचार बनाएंगे। तो ये राई का पानी होता है, राई की वजह से बहुत खटास मिर्च में आ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं डलता है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने 150 ग्राम तीखी मिर्च ली है। तो आप इन्हें अच्छे से धो लें और ऊपर के डंठल हटा लें। और ये मैंने एक भगोने में गर्म पानी कर लिया था, उसी गर्म पानी में हमें मिर्चियों को डालना है। तो आप ध्यान रखें, पानी बहुत अच्छे से बॉईल गर्म होना चाहिए और गैस से आप उतार लें उसे, फिर उसमें ये मिर्चियाँ डाल दें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ना है। तो आइए मसाले देखते हैं। तो इसमें 1 चम्मच राई ली है, 1.5 चम्मच सौंफ है, बहुत थोड़ी सी मेथी दाने हैं और 1/2 चम्मच हींग है और 1 चम्मच नमक डालेंगे इसमें हम। तो नमक थोड़ा ज़्यादा लें आप, राई की खटास की वजह से ज़्यादा नमक हमें चाहिए होगा इसमें। तो इन सभी को हम दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा रोस्ट कर सकते हैं। लाल मिर्च हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मिर्च बहुत तीखी है ये। अगर आपकी मिर्च तीखी नहीं है तो आप थोड़ा लाल मिर्च डाल लें। अब इस मसाले में हम नमक मिलाएंगे, देखिए पीसने के बाद। तो बहुत बारीक नहीं करें, थोड़ा दरदरा करें। और 15-20 मिनट हो गए हैं तो मिर्चियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं पानी में। तो आप इन्हें पानी से निकाल लें और इस पानी को फेंके नहीं, हम इसी पानी में आगे मिर्च का अचार बनाएंगे ये। तो देखिए, मिर्च थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। आप चाहें तो और भी गला सकते हैं, अगर आपको जल्दी ही गला हुआ अचार खाना है तो। मैंने लगभग हाफ कुक की है। तो आप इस तरह से इसमें देखिए बीच में चीरा लगा लीजिए। तो इसमें हम मसाला भरेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा मसाला आप सारी ही मिर्च में भर लीजिए इस तरह से। तो थोड़ा मसाला भरना, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका टेस्ट इसी तरह से आता है कि थोड़ा थोड़ा मसाला आप भरें। तो आप इस तरह से एक बर्नी ले लीजिए या फिर कोई भी कांच का जार ले लीजिए, उसमें हमें सारी मिर्चियों को डाल देना है। उसके बाद जो मसाला बचा था वो भी हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। और इस मसाले को आपको डालना ही है, उसी से टेस्ट आएगा पानी में, बहुत अच्छा फ्लेवर। और जो मिर्च हमने रखी थी गर्म पानी में, वही पानी हमें यहाँ यूज़ लेना है, उससे हम इसे ऊपर तक भर देंगे और थोड़ा चम्मच से दबा देंगे। अब इसे आप 2-3 दिन धूप में रखिए, मिर्च बहुत अच्छे से गल जाएंगे और राई अपना पूरा खट्टापन छोड़ देंगी। तो ये बहुत अच्छे से मिर्च का अचार आपका तैयार हो जाएगा। तो कई दिन ख़राब नहीं होगा, आप इसे फ्रिज में रखिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।